जिले के कोतमा थाना अंतर्गत लिफ्ट देने के बहाने 22 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार घटना कोतमा नगर के वार्ड क्रमांक 13 लहसुई कैंप रेलवे लाइन के पास की बताई जा रही है। युवती अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूल कोतमा में है। पदस्थ वह नगर से देर शाम घर की ओर लौट रही थी। अंधेला हो जाने की वजह से उसने रास्ते से गुजरने वाले एक युवक से लिफ्ट मांगी। युवक ने युवती को अपनी मोटरसाइकिल में बैठाने के बाद उसे घर की ओर ना ले जाकर अन्य दूसरी जगह ले गया, जहां उसने उसके दो अन्य दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। मैं बहुत व्यथित हूँ। जब से मुझे घटना की पता चली, मेरा छोटा भाई अजय मुझे फ़ोन करके जानकारी दिया। मैं यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर था। मैं यहाँ हमारे जो नागाध्यक्ष जी हैं मनोज सोनी जी और सबको मैंने तुरंत भेजा हॉस्पिटल कि जाइए। मैंने एसपी साहब से बात की, पुलिस अधिकारियों से बात किया, सबसे बात किया और मुझे लग रहा है कि अज्जू को भी मैंने ये कहा कि अज्जू तुम यहाँ से हिलना नहीं बेटा और जैसा जो हो मुझे बताना। और अब तक पुलिस अधिकारी अभी सब यहीं हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आप लोग देख रहे हैं जी। सीसीटीवी कैमराज खंगाले जा रहे हैं, सब कुछ है। थोड़ा सा जो बच्ची के बयान है, उस बयान की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है, ऐसा पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। फिर भी सब लोग प्रयास में हैं और मैं ये हमारे गांव के लिए बड़ा एक कलंक है। देखिए जी, हमारे गांव की पहली घटना है जी सर, और व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे गाँव के लिए कलंक है। अगर ऐसी घटना है तो फिर ये बहुत दुखद है जी। और जो भी दोषी होगा भैया, मैं आपको सच कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, बक्सा नहीं जाएगा। जो ये घटना हुई है, ये घटना तो दर्दनाक है, लेकिन इसमें पुलिस की भी लापरवाही हुई है थोड़ी सी। इस बारे में मुझे ये जानकारी है, मैं एक शादी के कार्यक्रम में था, वहाँ से जैसे ही मैं आया हूँ तो मुझे पता हुआ है कि कोतमा में एक ऐसी घटना हुई है। अस्पताल में जो हम देख पा रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल स्थापित है, सत्य है कि धोखे के साथ झांसे में लेकर बेटी को ऐसी जगह ले जाया गया, उस बिटिया को वहाँ पर इस प्रकार दुराचार की घटना हुई है, एक बहुत निंदनीय है। कोतमा अस्पताल से कल दिनांक सूचना मिलने में कोतमा पुलिस अस्पताल गई थी। एक लड़की 23 वर्ष की जो डबल स्टोरी गोविंदा की रहने वाली थी, जो गोंडरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आती थी, शिक्षक है। दिनांक 12/3/2019 को करीब 11 बजे दिन में गोंडरा स्कूल में पढ़ाने गई थी। स्कूल से करीब 4 बजे शाम को जमुना की रीता नाम की लड़की सीएससी कोतमा के बाहर मिली थी और बोली कि चलो थोड़ा अस्पताल में काम है, अस्पताल में चले गए। ट्यूशन पढ़ाने के समय होने पर टाकिस तिराहा के पास ट्यूशन पढ़ाने चली गई। ट्यूशन पढ़ाने के बाद पैदल ही रस्तोगी चौक तक गई, वहां बस का इंतज़ार कर रही थी। करीब 6 बजे शाम को जमुना की रीता अपने दोस्त के साथ बाइक पर आई। वह बोली कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। उसे घर न छोड़ते हुए उसे लहसई कैंप हेलीपैड की तरफ, जंगल तरफ, झाड़ियों तरफ जबर से ले जाने लगे। वो मना करने लगी लेकिन वो लोग रुके नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिला संवाददाता श्रीराम केवट जुड़ गए हैं। जी श्रीराम जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या है पूरा मामला। मामला ये सर कि शिक्षिका कोतमा नगर के हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी और वह जो शाम को देर हो गया घर लौटते समय, तो आते आते उनके सहेली मिली थी जमुना कालदी का, तो वहाँ पे सर उनसे बातचीत थोड़ा हुआ, उनको बताया कि घर जा रही हूँ, लेट हो गई हूँ, अभी रात हो जाएगी। उसके बाद में सर आगे चलकर एक बाइक वाला मिला, वो लिफ्ट देने के बहाने उनको बैठा ले गया और वहीं पास से उनके घर की ओर ना ले जाकर कहीं और ले गए। तो कोतमा के बगल से लहसुई कैंप एक घटना स्थल, वहां से घटना की अंजाम दिया गया सर। उसके बाद सर वहां पर तीन लड़के थे और एक महिला उसके सहयोग में थी, तो घटना अंजाम देकर वो लोग चले गए सर जी। पुलिस की तरफ से क्या खबर आ रही है? पुलिस की तरफ सर अभी कुछ खबर नहीं आ रहा है, बस वो आरोपियों का
आरोपियों का मतलब कि विवेचना कर रहे हैं उनको? पुलिस की तरफ से क्या आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं या फिर अभी गिरफ्त से बाहर हैं? अभी गिरफ्त से बाहर है सर, उनको तलाशा जा रहा है और साथ ही वहाँ कोतमा विधायक भी इसके लिए अपने तरफ से पूरा टीम लगा दिए हैं और SDOP साहब कोतमा जो हैं वो भी पूरे मतलब टीम को सिर्फ इसी अपराधियों को पकड़ने के लिए पीछे लगा दिए उससे सर। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या पुलिस की नाकामी सिद्ध हो रही है कि इस प्रकार के दुष्कर्म के जो घटनाएं हैं वे घटित हो रही हैं जिले में और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है, आपको लग रहा है क्या ऐसा? नहीं सर, क्योंकि सर पुलिस को पास भी और भी बहुत सारे काम रहते हैं और जो बदमाश होते हैं ये लोग तो बहुत ही खतरनाक रहते हैं, ये मौका देख के मतलब अंजाम दे देते हैं। हो सकता है कि बाहरी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है सर वो उनके ही जान पहचान के हो सकते हैं सर। तो पुलिस की तरफ से क्या आ रहा है, कब तक आरोपियों की पकड़ जाने की सूचना प्राप्त होगी, क्या लगता है आपको इसके बारे में? सर पुलिस तो बस ये बताए हम इस अपराधियों को पकड़ने में लगे हुए हैं, बहुत जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा। श्री राम जी आपने ताजा जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।